सिद्धांत के अनुसार फील करना त्यागने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, फील करना त्यागने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, लेकिन जो भावुकता रहित मन है, जो फील नहीं कर सकता, वो ईश्वर भक्ति कैसे करेगा? क्या रहित है? भावना रहित। तो उसको तो 84 लाख में घूमने ही है, उसके लिए क्या इलाज? अरे भाई, कोई भी बीमारी है और कोई कहता है हम दवा नहीं खाएंगे, तो वो बीमारी जाएगी नहीं? संसार में तो बीमारी का एंड है मृत्यु, लेकिन वहां तो कोई एंड है नहीं, 84 लाख में घूमा करेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी किसी जन्म में किसी रीजन से धक्का लगता है जीव को तो वैराग्य होता है। लेकिन जब तक वैराग्य भावना न हो और अपने को आत्मा न रियलाइज करे, तब तक काम पूरे बनेगा। फीलिंग तो सबको होती है, सब कोई संसार में नहीं है फीलिंग न हो, लेकिन फीलिंग के बाद क्या सही है, एक यहां पर मतभेद है। जरा सी बात हुई मियां बीबी में, भाई भाई में, भाई बहन में, जरा सी बात कोई हो गई तो खटपट, तो फील करता है सब स्वार्थी, सब मतलबी है, ये भावना होती है। लेकिन फिर और गति क्या है ये नहीं मालूम उसको, कि जब ये अपना नहीं है, यहां सब स्वार्थी है, तो फिर जो अपना है वो कौन है, और जहां स्वार्थ हल हो जाएगा वो कौन है, ये नहीं मालूम है, तो बेचारा फिर वही जाता है, क्या करे। भंवर है वो, पानी में जैसे भंवर होती है एक ही जगह घूमा करती है। अब कोई भंवर से निकल गया बाइड में तो फिर तैरना काम कर देगा, और नहीं तैरना चाहता है, आलसी है, डूबेगा।